खबर सीमलवाड़ा से। महंगाई से आम जनता परेशान, कांग्रेस द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में निरंतर वृद्धि के चलते आम जनता का गुजारा करना मुश्किल। केंद्र की मोदी सरकार अपने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की जनता से कुठाराघात कर रही। उद्गर कांग्रेस राष्ट्रीय नेता और पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने गुरुवार को सीमलवाड़ा में मणि पेट्रोल पंप पर आयोजित पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों को लेकर प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम में कहा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में आए दिन वृद्धि हो रही, ऐसे में हर वस्तु आम आदमी की पहुंच से बाहर होती है। अगर केंद्र की मोदी सरकार ने समय रहते दामों पर नियंत्रण नहीं किया तो आने वाले समय में स्थिति भयावह हो जाएगी। कार्यक्रम में हस्ताक्षर अभियान के तहत लोगों ने उत्साह से भाग लेकर पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस के दामों को कम करने की मांग की। इससे पहले पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने भाजपा की जन विरोधी नीतियों और महंगाई के दामों में विस्फोटक केजी के विरोध में साइकिल चलाकर अपना विरोध जताया। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश पाटीदार, जिला महामंत्री मुश्ताक अहमद पठान, गौरी शंकर त्रिवेदी, राजमल कोठारी, पंचायत समिति सदस्य महेंद्र भगोरा आदि ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों पर केंद्र की मोदी सरकार का अड़ियल रवैये पर रोष जताया। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय सोनिया जी के निर्देश के अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में पेट्रोल डीजल और गैस और महंगाई के विरुद्ध में कांग्रेस जनों ने तमाम पेट्रोल पंप पे आंदोलन कर रखा है और मांग करे कि मोदी सरकार जो 7 सालों से इस देश में महंगाई कम करने के नाम से बेरोजगारों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये देने के नाम से 2 करोड़ नौकरियां देने के नाम से तथा प्रत्येक व्यक्ति को हिंदुस्तान के 15 लाख उसके खाते में जमा करने की झूठी घोषणा कर और कहा कि 7 साल तक कांग्रेस ने देश में कोई विकास नहीं किया है और आज उन तमाम कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू की योजना से लेकर कांग्रेस ने जो काम किए हैं उन कामों को जितने सार्वजनिक उपक्रम देश के बड़े बड़े थे, चाहे रेल परियोजना हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे उद्योग के कल कारखाने और हमारे उस संभाग के अंदर। आप खबर भारतवर्ष के लिए सीमलवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान से गुणवंत कलाल की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।